सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को बताया राष्ट्रीय आपदा, कहा कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने हिमाचल राज्यपाल से कोविड 19 को लेकर की चर्चा, सैन्य व्यवस्था से लाभ लेने का सुझाव। शिमला के कोटखाई में आग लगने की घटना, 6 मकान जले, बुजुर्ग महिला की मौत। कोरोना में अब बंदिशें, हिमाचल से बाहर जाने के लिए ई पास अनिवार्य। दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं देगा हिमाचल, एक्ट का हवाला देकर एक दिन बाद ही फैसले से पलटे सीएम जयराम। और 15 दिन में बेमौसमी बरसात से हुए नुकसान की रिपोर्ट, हिमाचल में बागवानी मंत्री के अधिकारियों को निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा देश संकट में है, ऐसे में वो मूक दर्शक नहीं रह सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की आवश्यकता और आपूर्ति की स्थिति बताने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र से ये भी जानना चाहा है कि देश भर में कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की उपलब्धता और दवाइयों और वैक्सीन की स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग अलग कंपनियां वैक्सीन की अलग अलग कीमतें ले रही हैं, आखिर इसके पीछे क्या आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या वैक्सीन की कीमतों पर नियंत्रण के लिए पेटेंट एक्ट का उपयोग किया जा सकता है, आखिरकार ये राष्ट्रीय संकट और महामारी की स्थिति है। केंद्र को ये बताने के लिए भी कहा गया है कि किन आधारों पर वैक्सीन के दाम तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि 1 मई से जब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू होगी तो वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है। केंद्र को ये रूपरेखा अदालत में पेश करने के लिए कहा गया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि कोरोना प्रबंधन के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्रवाई का उद्देश्य हाई कोर्ट को दरकिनार करना नहीं है। राष्ट्रीय संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकता है। हमारा उद्देश्य समान मामलों को उठाने वाले हाईकोर्ट पर पाबंदी या रोक लगाना नहीं है। पीठ ने यह स्पष्ट किया, इस कार्यवाही का उद्देश्य हाई कोर्ट को दरकिनार करना या हाई कोर्ट से उन मामलों को यहां लाना नहीं है। हाई कोर्ट हमेशा बेहतर स्थिति में होता है कि वे ये देख सके कि उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर क्या चल रहा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कुछ सवाल पूछने के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। उधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से दूरभाष पर बातचीत कर कोविड 19 को लेकर राज्य की स्थिति और सुविधाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव भी दिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक है और यहां पर कई प्रकार से सैनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। ये दौर महामारी का है, इसलिए इस दौरान राज्यों को अपने पूर्व सैनिकों की सेवाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक रेस्ट हाउस और अन्य मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ लिया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने महामारी के खिलाफ प्रदेश स्तर पर किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मिलकर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुझे टेलीफोन आया था। टेलीफोन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कोरोना परिस्थिति के बारे में जानकारी ली है और साथ ही साथ उन्होंने सूचना भी आदेश भी दिया है कि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर के लोग जो हमारे एक सर्विस में हैं और सेना के जो भी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए कैसे इन लोगों की
सहायता लेना चाहिए और सहायता करना चाहिए। इस विषय पर उन्होंने मुझे विस्तार रूप से सूचना दिया है। प्रदेश में आर्मी की पर्याप्त संख्या है और पूर्व सैनिकों की संख्या भी बहुत है। ऐसे में यदि आवश्यक होता है तो उनकी प्रत्यक्ष सेवाएं ली जा सकती है। इसके लिए सेवा कर्मियों के अलावा आम आदमी को यह समझना होगा कि स्वयं की सुरक्षा में ही बचाव है और इसी से समाज को भी हम सुरक्षित रखने में अपना पूरा पूरा सहयोग दे सकते हैं। राज्यपाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हिमाचल के प्रति व्यक्त उनकी चिंता पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व सैनिकों और सैनिक व्यवस्थाओं के नेटवर्क इस दिशा में पहले से ही क्रियाशील है, जिसका लाभ और प्रभावी तरीके से लिया जाएगा ताकि इस लड़ाई में विजय हासिल की जा सके। मैंने उनसे कहा था कि हिमाचल प्रदेश में अच्छी संख्या में पूर्व सैनिक है और हमारा सरकार पहले ही इस विषय के बारे में बहुत से कदम उठाए गए और उनकी सूचनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक एक्शन प्लान तैयार करके ये हमारे पूर्व सैनिक लोगों को, उनकी सेवाओं को और जितने भी यहाँ पर सेना के इंस्टीट्यूशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उपयोग में लाकर यहाँ के कोविड परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम बराबर जो है इसका सारा उपयोग करने का हम एक्शन प्लान करेंगे, ऐसा मैं राजनाथ सिंह जी से बताया था। मुझे खुशी है राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही संवेदनाशीलता से उन्होंने जानकारी लिए, मैं उनको आभार भी प्रकट किया था। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर कार्य योजना बनाकर महामारी के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों की अधिक से अधिक सेवाओं को लेकर मजबूती से काम किया जाएगा। शिमला की कोटखाई तहसील में आज एक भीषण अग्निकांड में 6 घर जलकर राख हो गए हैं और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग लगने की घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं जिला प्रशासन से प्रभावितों को फौरी राहत देने की स्थानीय लोगों ने मांग भी कर डाली है। प्रदेश में गर्मियों के आते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है। इस दौरान जहां आग लगने से जंगल तबाह हो जाते हैं तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बने मकानों को भी आग से खासा नुकसान होता है। आगजनी की दिल दहला देने वाली ऐसी ही एक घटना बुधवार सुबह शिमला की कोटखाई तहसील की रामनगर पंचायत में घटी। पंचायत के फनेल गांव में अचानक आग लगने से एक साथ 6 मकान आग की भेंट चढ़ गए और इस घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। ऊपरी शिमला में इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। रोडू, जुब्बल, कोटखाई और चौपाल में तो लगातार इस प्रकार की आग लगने की घटनाओं से जानमाल का बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार की ओर से फौरी राहत की बात तो की जाती है लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। आगजनी की इस घटना पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कोटखाई में 6 मकान जलने से और एक बुजुर्ग महिला की मौत होने से बहुत दुखी हूँ। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार के फैसले के बाद अब शिमला जिला प्रशासन ने भी नई बंदिशें लगाई हैं। इसके तहत हिमाचल से बाहर आवाजाही के लिए कोविड ई पास अनिवार्य होगा। इसके लिए कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शिमला जिले के भीतर और प्रदेश के अन्य जिलों के बीच आवाजाही के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल में एक बार फिर बंदिशें शुरू हो गई है। प्रदेश में आने वालों को भी अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर
पंजीकरण करवाना होगा, तो वहीं प्रदेश से बाहर जाने के लिए ई पास बनवाना होगा। इस बारे में डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कोरोना हॉटस्पॉट राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि राज्य में प्रवेश के समय 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और दूसरी डोज लेने पर 14 दिन का समय हो गया है, उन्हें भी इसमें छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। शिमला में जो है आज रात से नई बंदिशें लगने वाली हैं। जो नई बंदिशें हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जो भी हिमाचल से बाहर जाएंगे उनको जो है इस पे कोविड ई पास पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और वापस आते टाइम जो है वो इंटरस्टेट बैरियर्स पे उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो भी लोग हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, ये 7 स्टेट्स हैं जिनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, जो भी कोई लोग 7 हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उनको जो है एक तो पास तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, उसके अलावा जो है उनको 14 दिन का जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा उनको। ऐसे लोग जो है अगर वो चाहते हैं कि वो क्वारंटाइन ना हो तो उनके पास जो है 72 घंटे पुरानी जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर वो जैसे 6-7 दिन के बाद जो RT-PCR टेस्ट कराते हैं और उसमें अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर वो होम क्वारंटाइन उनको रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो भी कोई लोग हैं उनके ऊपर जो है पंचायत वगैरह मॉनिटरिंग करेंगी और देखेंगे कि ये लोग जो है होम क्वारंटाइन में रहें, और अगर वो कहीं क्वारंटाइन से बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध जो है फिर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए पंचायतों को भी प्राधिकृत कर दिया गया है। जो ऐसे हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उनको जो है उसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। सख्ती के लिए सरकार अब बाध्य है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि पिछले वर्ष की भांति इस बार भी यदि बाहरी लोगों को रोका नहीं जाता है तो प्रदेश में मामलों के बढ़ने का सिलसिला तेजी से बढ़ेगा और फिर स्थिति को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ पाबंदियां तो लागू करनी ही पड़ेगी। वहीं जो लोग स्वास्थ्य, व्यापार या कार्यालय के काम के मकसद से कुछ समय के लिए किसी कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाते हैं और 72 घंटों के भीतर वापस लौट आते हैं तो उन्हें भी क्वारंटीन की छूट रहेगी। यही शर्त कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र से जिले में आने वाले लोगों पर भी लागू रहेगी। वहीं ऐसे लोगों को भी क्वारंटीन से छूट मिलेगी जो बीते 6 माह के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए और अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। 10 साल से कम आयु के बच्चों को भी क्वारंटीन में छूट रहेगी, बशर्ते उनके साथ आने वालों की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। हमारे बॉर्डर्स पे जो है उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, तो इसी के तहत जो है शिमला में हमारे 2 इंटरस्टेट बॉर्डर्स सेटअप किए जा रहे हैं, एक चौपाल में और एक रोडू में, ये कुड्डू में। तो वो दोनों जगहों से जो लोग एंटर करेंगे उनकी वहाँ पे जो है थर्मल स्कैनिंग वगैरह होगी, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे तो उन्हें आने दिया जाएगा और उनकी और वो जहाँ भी कहीं जा रहे हैं उस सब डिविजन को और डिस्ट्रिक्ट को उसकी इंटीमेशन दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स संबंधित SDM की निगरानी और नियंत्रण में काम करेगी। नए नियमों की अनुपालना के लिए अंतरराज्यीय बैरियर कुड्डू, रोडू, फेडीज पुल, चौपाल में आने जाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। मौके पर ई पास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नए दिशा निर्देश 10 मई तक लागू रहेंगे। एक दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर रोज ऑक्सीजन के 1000 सिलेंडर रिफिल कर दिल्ली सरकार को देने की बात कही थी। हिमाचल मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल पेज पर बाकायदा इस बात की जानकारी भी दी गई कि हिमाचल संकट के इस दौर में दिल्ली की हर संभव मदद करेगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आभार जताया और कहा, जयराम जी आपका इस मदद के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन एक दिन बाद ही CM जयराम ठाकुर अपनी बात से पलट गए और कहा कि राज्य अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले सकता है। ये नंबर बहुत बड़ा है। इससे एक बात बड़ी साफ सी है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संकट थोड़ा संकट नहीं, छोटा संकट नहीं, ये बहुत बड़ा संकट है। बहुत बड़ी सावधानी के साथ हमको काम करना होगा और सावधानी के साथ साथ जिम्मेवारी के साथ हमको। इसलिए हमने तय किया कि सभी जो हमारे सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोग तो काम कर ही रहे, लेकिन इस जिम्मेवारी को नीचे तक हमको ट्रांसफर करना चाहिए। समाज आज की तारीख में कहीं भी कमी हो जाती है तो उसको तुरंत सोशल मीडिया में बोलता है, सोशल मीडिया में डालता है, अपनी बात कहता है।
लेकिन उस व्यक्ति को इस बात को भी सोचना चाहिए कि समाज के एक नागरिक, इस देश के एक नागरिक होने के नाते उसका दायित्व तो सिर्फ सोशल मीडिया में डालना नहीं है। कमी है तो उसमें मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करूं, मैं भी मदद करूं। सबसे पहले इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि इस कोविड के दौर में, कोविड के संकट से प्रदेश को कैसे बाहर निकालें और प्रदेश कैसे बनाएं। कोरोना की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए। हॉस्पिटल आता है तो उसके उसको बेड के लिए इंतजार न करना पड़े, उसके लिए बेड की व्यवस्था वहां पर हो ताकि उसका ट्रीटमेंट तुरंत जो है हम शुरू कर सके। इसलिए कांगड़ा में परसों गया था, कल मंडी गया था। कांगड़ा में हम बहुत बड़ी कैपेसिटी बढ़ा करके आए, मंडी में भी हम इसी प्लान को साथ लेकर के जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हम निर्णय करके आए, और उसी तरह से दूसरे जिलों में जहां भी जाना हुआ वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था है। और आज हम अगर शिमला पे बैठे हैं तो हम शिमला में भी सारी चीजों को जो आप लोगों ने सुना ऑनलाइन, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, चाहे वो हमारे ओपीडी ब्लॉक हमारा आईजीएमसी शिमला का बन रहा है, लगभग 300 बेड की कैपेसिटी वहां पर करेंगे, लेकिन फेज मैनर में करेंगे उसको, जो जो हमारी जरूरत पड़ती जाएगी उसके मुताबिक करते जाएंगे, लेकिन काम शुरू कर देंगे। और उसी तरह से हमने ये भी तय किया कि जो शिमला का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमारा, उसमें 50 बेड की कैपेसिटी है, उसको भी हम डेडिकेट करें कोविड के लिए, कोविड ट्रीटमेंट के लिए। और उसी के साथ हमारे शिमला के साथ एडजॉइनिंग जो जुंगा का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वहां पर भी 50 बेड की कैपेसिटी निकालेंगे, ताकि कोविड के लिए अगर वहां के लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए एडमिट करना पड़े तो जुंगा के हॉस्पिटल में सुविधा को हम दे सकें। उसके अतिरिक्त और चीज हमने एक और ढूंढने की कोशिश की है, तो हमारा टूटी कंडी जो पार्किंग हमने बनाई है बड़ी, उस पार्किंग के ऊपर वाले फ्लोर में भी एक स्कोप और निकाल रहे हैं वहां पर जो फर्निश्ड है, और वहां पर सारी चीजों को लेकर के आज ही डिप्टी कमिश्नर वहां पर विजिट करेंगे और विजिट करके वहां पर रिपोर्ट देंगे उनको। और जो जानकारी मिली है 70 से 100 बेड की कैपेसिटी वहां पर भी की जा सकती है, तो सबको मिलाकर के लगभग 500 की बेड कैपेसिटी हम शिमला के अंदर ही, शिमला शहर के अंदर ही एक तरह जिसमें सिर्फ जुंगा बाहर है, बाकी शिमला के अंदर ही उस व्यवस्था को हम यहाँ करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हिमाचल दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं देगा। एक दिन पहले ही दिल्ली को ऑक्सीजन देने का फैसला लेने वाले सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल अपने स्तर पर ये फैसला नहीं ले सकता, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ऑक्सीजन एलोकेशन का प्रावधान है, ऐसे में अगर केंद्र अनुमति देता है तो ही हिमाचल दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगा। ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीजें नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जो है इसकी एलोकेशन की एक प्रोविजन किया गया है, जो भी परमिशन मिलेगी वहां से मिलेगी, वहां से अगर हमको इजाजत मिलेगी हमको कहा जाएगा तो उसके मुताबिक सारी चीजों को लेकर के करेंगे। कोविड-19 महामारी के संकट के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन का भारी संकट चल रहा है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा था कि दिल्ली में उत्पन्न स्थिति से हिमाचल प्रदेश काफी चिंतित है। अरविंद केजरीवाल ने इस उदारता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने ही फैसले से पलट गए हैं। कोरोना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर नियंत्रण करने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बॉर्डर एरिया में कुछ सख्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बिगड़ते हालातों के चलते लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। बड़ा है, काफी बड़ा है, और खासतौर से इसमें जो बाहर से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो वायरस बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं लोग, उसमें बहुत बड़ा नंबर निकल रहा है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी हिमाचल है, उनका घर है, किसी को रोकना उचित नहीं है। हमने इसलिए कहा है कि जो भी आ रहे हैं वो आकर के होम आइसोलेशन में रहें, और होम आइसोलेशन के साथ साथ हमने ये कहा कि भी आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें। देखिए, जहाँ तक अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश के 4 जिले हैं, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर हमने जो है वो फर्दर थोड़ा इंक्रीज किया है रिस्ट्रिक्शंस को,
जिसमें नाइट कर्फ्यू भी हमने उसमें इम्पोज किया है, कोविड के कोरोना कर्फ्यू जिसको हम बोलते हैं जी सर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मॉनिटरिंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ तक स्थिति आ गई है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति तो है, जहाँ पर उनको पंजाब में बेड नहीं मिल रहा है तो वो हिमाचल आ रहे हैं, यहाँ बेड मिलेगा, यहाँ हमको ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये स्थिति वहाँ पर आई है। हम किसी के ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आदमी चाहे यहाँ रहता हो वहाँ रहता हो वो भी रहता, लेकिन फिर भी हम उन्हीं उन राज्यों के साथ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट का दायित्व तो उस प्रदेश का भी है, वो वहाँ पर सुनिश्चित करें। ऐसे में ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। सारी चीज को मॉनिटर करने के लिए हमारी जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की और सारे इसमें जो अधिकारियों की जो कमेटी बनी है वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। हमारी कोशिश है कि आवश्यकता के अनुसार ही चीजें ली जाए, एक तो ये है जो सप्लाई है, और दूसरी बात यह है कि जेन्युइननेस उसमें रेट्स में हो उस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और इतने बड़े संकट के दौरान हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई कालाबाजारी करना चाहे, कोई रेट के माध्यम से अनावश्यक रूप से मुनाफा कमाने की कोशिश करे, उस बात की इजाजत नहीं है। प्रदेश में हाल ही में बेमौसमी बरसात और भारी बर्फबारी के कारण बागवानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बागवानी अधिकारियों सहित फसल बीमा कंपनियों और फल उत्पादक संघ बैठक का आयोजन किया। बैठक में सेब और अन्य फसलों के नुकसान के आकलन पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से सेब बागवानों को हुए नुकसान के आकलन लाने के लिए निर्देश जारी किए गए। एक बात मैंने विधानसभा के अंदर भी कही है कि हम इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे। ये नुकसान तो लगभग 700 से 1000 करोड़ के बीच भी माना जा सकता है एक नुकसान, और बागवानों को कईयों को जिनके पेड़ टूट गए हैं वो तो 10 साल के लिए नुकसान, उसका तो आंकलन ही नहीं कर सकते 10-15 साल के नुकसान का। आप हम इस मामले में हमें कुछ लगेगा कि इसमें कोई काम ठीक नहीं हुआ है तो हम इसकी किसी भी स्तर पर जो है वो जाँच करने के लिए भी मैंने आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिमला सहित किन्नौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और सिरमौर जिलों के उद्यान उपनिदेशकों की अध्यक्षताओं में कमेटी गठित की जाए। एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारे इस बारिश की वजह से और विशेष करके जो सेब बाहुल क्षेत्र है उसमें हुआ है। इसके लिए आज हमारी बैठक हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे विशेष करके कहा है कि आप सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करें। कमेटियों में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, राजस्व विभाग के अधिकारियों, बागवानों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए, और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारी उनको भी उनके प्रतिनिधियों को बुलाए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि नुकसान के आकलन की विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों में वीडियोग्राफी सहित प्रदेश सरकार को भेजी जाए। बागवानी मंत्री ने कहा कि संबंधित क्षेत्रों के SDM इस कार्य की समीक्षा रोजाना करें और रोजाना की रिपोर्ट भी बागवानी मंत्री के कार्यालय में भेजी जाए। आज बैठक हुई है और हमने जो बैठक में निर्णय लिए हैं उसमें हमने 2 जोन शिमला जिला के बनाए हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर जो है एक टीम उनके साथ होगी और एक ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे एक टीम उनके साथ होगी। मंडी जिला के लिए भी एक डिप्टी डायरेक्टर उसकी अध्यक्षता में टीम होगी, कुल्लू में भी डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में, वैसा ही किन्नौर में भी और किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति और भरमौर में भी, और कुछ जो हमारा क्षेत्र ऊपर का क्षेत्र सिरमौर का है वहाँ के लिए भी हमने टीमें बना रखी हैं। उन टीमों को 15 दिन का टाइम दिया है, वो जहाँ जहाँ बगीचों का नुकसान हुआ है वहाँ टीमें जाएंगी, उसमें SDM नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी जो है उस एरिया के जो है उनके साथ रहेंगे। SDM को कहा गया है कि आप ओवरऑल आप भी इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, जहाँ जहाँ उनको समय मिले वहाँ वो भी जाएंगे, और वीडियोग्राफी होगी ताकि ऐसा ना हो कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई अन्याय ना हो। मैंने बड़ा साफ कहा है कि वीडियोग्राफी करके जो है केस टू केस जो है उसको बढ़ा करके जो है आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी रिपोर्ट जो है प्रदेश सरकार को दें। दूसरा, हमने जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी बड़ा साफ कहा है कि आपके प्रतिनिधि जो हैं वो सभी टीमों के साथ होने चाहिए, और मैंने उनको भी कहा है
कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप केवल मात्र बैंकों से जो लोनी है आपने उन्हीं के केस लिए हुए हैं, और जो नॉन लोनीज हैं वो दुख इस बात का है कि केवल मात्र 130 लोग हैं, जबकि जो बैंक लोनीज हैं वो 62,000 से भी ज़्यादा है। कहाँ 62,000 और कहाँ 130। उसमें मैंने उनको कहा कि आप इस ऐसी आपदा में आप जिन बागवानों ने बैंक से लोन नहीं लिया है आप उनका भी पंजीकरण करें, उनके मुआवजे के लिए भी आप आगे बढ़ें। पूरी रिपोर्ट आने के उपरांत सारी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो है इस पर चर्चा की जाएगी, और जब उनके सामने चर्चा की जाएगी उसके उपरांत फिर मंत्रिपरिषद की बैठक में ले जाएंगे, और हम भारत सरकार से भी, मेरी बात भारत सरकार के सेक्रेटरी जो अग्रवाल जी हैं उनसे भी हुई है, हमारे भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी राजवीर जी हैं उनसे भी बात हुई है, उनको भी मैंने सारा वीडियो जो है यहाँ से भेजा है कि ऐसे ऐसा नुकसान हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि हम इसका भरपाई करने के लिए भरपूर कोशिश होगी नियमों के अंतर्गत। प्रदेश किसान व बागवानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान ने सरकार से करीब 100 करोड़ के नुकसान के आकलन करने और बागवानों को राहत देने की मांग की है। यही नहीं, संघ ने फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों और बैंकों के बीच सांठ गांठ में कई हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। किसान बागवान के ऊपर एक गाज गिरी है, एक मौसम की गाज गिरी है। इस वक्त जो है इस बुरे वक्त में जो है आज फल सब्जियों फूल उत्पादक संघ की तरफ से हम जो है सरकार से मिले हैं, आज बागवानी मंत्री जी से मिले हैं, और बागवानी मंत्री को हमने जो है आज पूरी तरह से एक तो मेमोरेंडम दिया है और उनसे आग्रह किया कि बागवानों को तुरंत जो है किसी तरह की राहत दी जाए जिससे कि बागवानों को इस बुरे वक्त में सरकार भी उनके साथ खड़ी है ऐसा लगे। और इसके अलावा हमने एक प्रमुख विषय ऐसे बुरे वक्त में उठाया जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, इसका एक बहुत बड़ा जो है एक रैकेट चला हुआ है, बहुत बड़ी सालों से रैकेट ही कहेंगे हम इसको, जिसका फायदा कभी केसीसी से हमारे से डायरेक्ट काटा जाता है और उसका फायदा कभी बागवानों को आज तक नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने आज बात उठाई है और सरकार ने भी इसमें आश्वासन दिया है कि भाई इसके लिए जो है तुरंत जाँच की जाएगी, क्योंकि किसानों बागवानों को आज तक हमने नहीं देखा कभी इंश्योरेंस का फायदा मिला, और मेरे लिए कंपल्शन क्यों है ये इंश्योरेंस करनी, क्यों मैंने कंपल्सरी करनी है गाड़ी की तरह, अगर मेरी मर्जी है तब करूं, नहीं है तो नहीं करूं। इसका फायदा हमें कभी नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा एक स्कैम है हिमाचल प्रदेश का, और सरकार ने भी बोला है कि अगर ये जांच में गलत पाएंगे तो हम कोशिश करते हैं कि सीबीआई की भी इसमें जांच करेंगे। हमने आग्रह किया, सरकार ने भी माना, हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसानों को इसका फायदा मिले। ऐसे बुरे वक्त में अगर इंश्योरेंस कंपनीज ये बढ़िया होती तो किसानों को भी फायदा मिलता, सरकार को भी राहत मिलती, ये दोनों चीज़ें होती। और इसके अलावा एक छोटी सी मांग और थी कि किसानों ने जो है जो ये जालियां बागवानों ने ओलावृष्टि के प्रतिरोधक जालियां बिछाई है उसके लिए भी लोन लिए हुए हैं, और केसीसी की तो लिमिट 99% की बनी है, अगर सरकार उनको माफ़ नहीं कर सकती कम से कम ब्याज में तो उसमें राहत दे सकती है। ये हमारी एक बड़ी मांग थी क्योंकि किसान की रीढ़ टूट चुकी है। इस बार प्रदेश में सेब बहुल इलाकों में बेमौसमी बारिश, ओला और बर्फबारी ने सेब की फसलों और बगीचों को भारी नुकसान किया है। ऐसे में किसान बागवानों ने सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ईमार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ईमार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ईमार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।